आज हम अंडर द डोम सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस डोम में रहने वाले लोगों को आज 4 दिन हो चुके हैं। वो भी अब जूलिया के घर में रहता है। तभी वहां पर जूलिया की पड़ोसन रेट आती है, जो कि दही लेने आई थी। इसके बाद बॉबी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। हैरेट भी अपने घर से बाहर आती है तो उसे अपने हस्बैंड दिखाई देता है, जो कि कुछ दिन पहले यहाँ से चला गया था और उसे लगता था कि शायद उसका हस्बैंड गायब हो गया है। जैसे ही रेट उसके पास जाती है और उसे टच करने की कोशिश करती है, तभी उसका हस्बैंड फिर से गायब हो जाता है और हैरेट का हाथ उस डोम पर रख जाता है, जिस वजह से उसे एक बहुत जोर का शॉक लगता है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तभी जूलिया वहां पर आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम जूनियर को देखते हैं, जो कि एनजी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बिग जिम उसे पकड़कर बाहर लाता है, क्योंकि उसने एनजी से वादा किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और वो जूनियर से कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगे। जूनियर को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। एनजी को रोज की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि उसने उसे बेटी की तरह प्यार किया था। एनजी रोज के रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर रोज की लाश अभी भी काउंटर पर पड़ी होती है, जिसे देखकर एनजी बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी वहां पर बिग जिम भी पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर अब रोज की लाश को दफनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंडा रोज के कातिलों को पकड़ना चाहती है, जिस पर जूनियर कहता है कि उन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एनजी और रोज को भी मारा है। ये सुनकर लिंडा कहती है कि हमें बिना मतलब के वायलेंस नहीं करना चाहिए। अब हम बिग जिम को देखते हैं, जो कि ओली नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसके पास पानी होता है। उस पानी को वो सप्लाई कर सकता था और उसके साथ उसके पास प्रोपेन भी होता है, जिस पर ओली कहता है कि अब ये मेरा है, लेकिन बिग जिम कहता है कि मैं तुम्हें सारा प्रोपेन नहीं हड़पने दूंगा। इस पर इन दोनों के बीच आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है। तभी वहां पर ओली का एक बॉडीगार्ड आता है और वो भी जिम को डराने लगता है, जिस पर बिग जिम तब तो चुप रहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरा प्रोपेन इस तरह से नहीं हड़पने दूंगा, और वो चला जाता है। वहीं हम जॉय और नूरी को देखते हैं, जो कि ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस डोम का नाभि कहां पर है, क्योंकि बाहर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे और उनका न्यूक्लियस भी आसपास होना चाहिए। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है और ये एक सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तभी कुत्ता एक जगह पर पहुंचकर काफी शोर करने लगता है और कुत्ता वहां से डरकर भाग जाता है। अब हम जूलिया को देखते हैं, जो कि हैरेट को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। तभी रास्ते में वही गुंडे मिल जाते हैं जिन्होंने रोज को मारा था, और वो उस गाड़ी से फ्यूल चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर बॉबी भी आ जाता है गन लेकर, और उन गुंडों को वो वहां से भगा देता है। इसके बाद जूलिया हैरेट को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय कैरोलिन के घर ले जाती है, क्योंकि अब इस टाउन में एलिस ही इकलौती डॉक्टर थी, जो कि यहां पर लोगों की देखभाल कर रही होती है। वहीं हम दूसरी तरफ जॉय और नूरी को देखते हैं, जो कि इस डोम के न्यूक्लियस तक पहुंच चुके होते हैं। वहां पर उन्हें एक ब्लैक अंडा दिखाई देता है। अब जैसे ही जॉय और नूरी उस अंडे को छूने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें वहां पर एलिस दिखाई देती है और वो फिर गायब हो जाती है। इससे नूरी समझ जाती है कि अब एलिस की जान खतरे में है, इसलिए वो घर की तरफ भागती है। अब हम देखते हैं कि ओली, जो कि बिग जिम से मिलने आता है, कि मैं तुम्हें इस तरह से मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इस टाउन के लोग मुझे तुमसे कम पावरफुल समझते हैं, इसलिए मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मेरी मर्जी के बिना तो उन्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। जूनियर और लिंडा उन गुंडों को पकड़ने जाती है। तभी उनमें से गुंडा लिंडा पर गन तान देता है, इसलिए लिंडा की तरफ से गोली चलती है और गुंडा मारा जाता है। दूसरा वहीं पर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन जूनियर उस पर दया नहीं करता, बल्कि उसे भी मार देता है। और अब वहीं हैरेट भी एक बेटी को जन्म दे देती है, जिसका नाम वो एलिस रखती है, क्योंकि एलिस के बिना ये हो पाना नामुमकिन था। तभी हम देखते हैं कि एलिस को हार्ट अटैक आ जाता है, और वो वहीं दूसरी तरफ ओली का गार्ड गाड़ी में प्रोपेन को लोड कर रहा है। तभी बिग जिम एम रखकर गोली चलाता है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें ओली का गार्ड मारा जाता है। अब जैसे ही नूरी अपनी मॉम एलिस के पास पहुंचती है, तो वो देखती है कि एलिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। एलिस नूरी को देखते ही अपनी आखिरी सांस लेती है, उसके बाद नूरी बहुत ज्यादा रोती है। अब हम देखते हैं कि एनजी रोज के रेस्टोरेंट को फिर से ओपन करना चाहती है, क्योंकि उससे उसकी मोम यानी रोज की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन उस होटल का मालिक बिग जिम होता है, जो कि इस होटल को एनजी को बेच देता है। इसके बाद बिग जिम ओली के पास जाता है उससे समझौता करने के लिए, लेकिन वो इस डोम के लोगों को भूख प्यास से मरते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन अब ओली बिग जिम से बदला लेने के लिए उस डोम के लोगों को भूखा प्यासा मारने के लिए उतारू हो जाता है। अब बिग जिम पुलिस स्टेशन जाता है और वो लिंडा और बॉबी को इमरजेंसी रूल समझाता है कि इमरजेंसी के टाइम पर किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। इसके बाद बिग जिम काफी सारी पुलिस फोर्स लेकर ओली के घर पर जाता है, लेकिन वहां तो उससे भी ज्यादा लोग ओली के घर पर होते हैं और वो कार्डर के पैर में गोली मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बिग जिम का बेटा जूनियर ओली से मिल जाता है, और ये बिग जिम के लिए सबसे बड़ी हार होती है। सभी लोग वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जॉय उस अंडे के बारे में जूलिया को बताता है और वो उसे उसी जगह पर लेकर जाता है। उस समय वो अंडा पिंक कलर का चमक रहा होता है और उसे एक छोटा डोम प्रोटेक्ट कर रहा था। जूलिया वहां पर जाकर डोम को टच करती है, तभी उसे जॉय का एक विजन दिखाई देता है, जो कहता है कि सम्राट के सर पर ताज सजेगा
और ये कहते ही वो विजन खत्म हो जाता है। ये देखकर जूलिया काफी शॉक्ड हो जाती है और वो वापस फिर से घर आ जाती है। अभी भी बिग जिम ओली के फार्म हाउस पर हमला करने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन बॉबी उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ज्यादा लोगों को आपस में लड़ाने से अंदर का माहौल ही खराब होगा। और वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम ओली के पानी को किसी और रास्ते से लोगों के पास तक पहुंचा दें। इससे पानी वेस्टेज होने का डर है, लेकिन इससे बिग जिम कन्विंस नहीं होता और लोगों को जोड़ने का आदेश देता है। लेकिन बॉबी और लिंडा मैप में पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जूनियर को ओली भड़का रहा होता है और वो बिग जिम का एक सच जूनियर को बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसने खुद की कार क्रैश करवाई थी। अब तो जूनियर को अपने डैड पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि बॉबी ओली के गेट पर एक्सप्लोजन लगा रहा होता है और दूसरी तरफ बिग जिम भी लोगों को लेकर ओली के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। ओली और बिग जिम के बीच में अब झड़प होना शुरू हो जाती है। तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है और पानी दूसरे डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाता है। वहां पर जूनियर पहुंच जाता है और अपने डैड बिग जिम पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। बिग जिम को ओली के पास लाया जाता है और अब ओली के पास बिग जिम को परेशान करने का कारण खत्म हो गया है क्योंकि लोगों को तो अब पानी मिलने वाला है, इसलिए ओली जूनियर से अपने डैड को मारने के लिए कहकर चला जाता है। जूनियर बिग जिम से पूछता है कि तुमने मुझे मॉम के बारे में सच क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए ये सच मैंने तुमसे छुपाया। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। अब जूनियर बिग जिम को नहीं मार पाता, तभी ओली आता है और वो बिग जिम को जैसे ही मारने वाला होता है तभी जूनियर ओली को शूट करके मार देता है। इसके बाद बॉबी बिग जिम के पास जाता है और उससे कहता है कि शूट आउट में 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन बिग जिम को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे बॉबी समझ जाता है कि बिग जिम अपना पद बनाए रखने के लिए ये सब कर रहा है, उसे लोगों की जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम जूलिया को देखते हैं जो कि बॉबी को जंगल के बीचों बीच लेकर जाती है, लेकिन अब वहां पर ना तो छोटा डोम था और ना ही अंडा था। तभी बॉबी को कॉल आता है कि केनार्ड ने किसी राह चलते आदमी को शूट कर दिया है, इसलिए वो वहां पर पहुंचता है तो ड्रग एडिक्टेड कहता है कि मुझे रिच एक ड्रग बेचा करता था और अब मुझे ड्रग्स नहीं मिल पा रही है। लिंडा अब बहुत शॉक्ड हो जाती है कि लेस्टर सिर्फ फ्यूनल का ही काम नहीं करता था बल्कि वो इन टीनेजर्स को ड्रग्स का आदि बना रहा था। ये सुनते ही लिंडा और बॉबी लेस्टर के पास जाते हैं तो वहां उन्हें रैप्चर बनाने का भरपूर मात्रा में सामान मिल जाता है और उसका मेन इंग्रेडिएंट प्रोपेन होता है, जिस पर लिंडा कहती है कि बिना बिग जिम की नॉलेज के ये प्रोपेन इस शहर में नहीं आ सकता। इन दोनों को बिग जिम पर शक होना शुरू हो जाता है। वहीं हम जूनियर को देखते हैं जो कि एनजी से मिलने जाता है और उसे लगता है कि एनजी उससे इस डोम की वजह से दूरी बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो उससे डर रही होती है। तभी एनजी बेहोश हो जाती है और पिंक स्टार के बारे में बोलने लगती है। अब हम इस मूवी में एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। ये उस दिन इस जगह पर आई थी जिस दिन डोम आया था और ये बिग जिम से मिलने आई थी और उस दिन से ये वहीं पर है और यहाँ के हालातों को देखकर वो इसका फायदा उठाकर बहुत पैसा कमाना चाहती है। दरअसल मैक्स एक ड्रग डीलर थी और साथ ही साथ वो गैम्बलिंग और बहुत सारे काले धंधे किया करती थी। अब जूनियर एनजी को उसके घर पर ड्रॉप करने का कहकर अपने साथ लेकर जाता है। उसे डर था कि ये फिर से उसे सेंटर में ले जाए, लेकिन इस बार वो और एनजी शॉक्ड हो जाती है जब जूनियर उसे उसके घर के बाहर ही छोड़ देता है और उससे कहता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हम जूलिया को देखते हैं जो कि सबके साथ उस अंडे के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी घर पर एनजी पहुंच जाती है और वो बताती है कि उसे दौरा पड़ा था और उसे पिंक स्टार के बारे में सपना आया था। इस पर जूलिया समझ जाती है कि इन तीनों को किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। अब हम देखते हैं कि बिग जिम चाहता था कि इस टाउन के सभी लोग अपने वेपन्स हैंड ओवर कर दें, लेकिन वो आसानी से तो हैंड ओवर नहीं कर सकते थे, इसलिए बिग जिम एक स्कीम निकालता है कि जो भी अपने हथियार हैंड ओवर करेगा उसे एक्स्ट्रा पानी और खाना मिलेगा। अब हम देखते हैं कि एनजी जूनियर के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या वास्तव में जिस दिन से ये डोम यहाँ पर आया है मैं अलग बिहेव कर रही हूँ, तो जूनियर उसे समझाता है और इसके बाद वो अपनी मोम को उस घर में लेकर आता है और उसे बताता है कि एक रात मेरी मोम को सपना आया था कि पिंक स्टार गिर रही है और उसकी उन्होंने एक कैनवास पर पेंटिंग बना दी थी। उस पेंटिंग में हम देखते हैं कि जूनियर होता है और उसके ऊपर काफी सारे पिंक स्टार गिर रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ लोग एक्स्ट्रा खाना और पानी के लिए अपने सभी वेपन्स को हैंडओवर कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैनेट, जिसने एक राह चलते आदमी पर गोली चलाई थी, उसने अपना हथियार अभी तक हैंडओवर नहीं किया है। बिग जिम उसके घर पर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस डोम की वजह से उसकी पत्नी मर गई है और वो भी जीना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद को शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर बिग जिम पहुंच जाता है और उसे समझाता है कि वो खुद को ना मारे। इसके बाद वो वेपन रख देता है और तभी बिग जिम उसे हॉस्पिटल भेज देता है। अब लिंडा ये जानने की कोशिश करती है कि शहर के अंदर इतनी अमाउंट में प्रोपेन कैसे आया, तो वो सीसीटीवी कैमरा देख रही होती है जहां पर उसे सारिफ और मैक्स के बीच हुई बातचीत दिखाई देती है। बेब अभी भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी कि शेरिफ एक बुरा आदमी था।
अब हम मैक्स को देखते हैं जो कि बॉबी से मिलती है और उसे किस करती है। दरअसल मैक्स बॉबी की ही बॉस है और उसे बिल्कुल भी उसके लिए काम करना अच्छा नहीं लगता। बिग जिम और बॉबी दोनों ही मैक्स के लिए काम करते हैं। बॉबी उसके साथ काम करने से मना करता है, तभी मैक्स धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके हस्बैंड पीटर को मारा है। दरअसल जिस दिन इन दोनों के बीच फाइट हुई थी उस दिन बॉबी ने हड़बड़ाहट में मैक्स को फोन किया था, इसलिए अंदाजा लगा लेती है कि अगर पीटर मिसिंग है तो पक्का बॉबी ने उसे मार दिया होगा। अब ये लोग फिर से उस अंडे को ढूंढने के लिए जाते हैं और इस बार अंडा मिल जाता है क्योंकि ये जॉय ही अपने कॉटेज में लेकर आया होता है। आप वहां पर एंजी बताती है कि ये तुम ही लेकर आए थे, लेकिन जॉय को तो ये सब याद ही नहीं होता कि वो अंडा लेकर आया था। इसके बाद ये रीना इस छोटे डोम पर हाथ रखकर उसे चाबी की तरह खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी एक चाबी यानी इंसान की कमी होती है और वो सब मिलकर ही इस डोम को खोल सकते थे। और इसी के साथ सीरीज का ये थर्ड पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। और चौथा इंसान कौन है ये देखने के लिए इस सीरीज का फोर्थ पार्ट जरूर देखें।